மாண்புமிகு அவைத் தலைவருக்கு வணக்கம். வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த விவாதத்தில் பங்கேற்று உரையாற்றக்கூடிய வாய்ப்பை எனக்கு வழங்கியமைக்காக முதலில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். புரட்சியாளர் அம்பேத்கர், பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு, பேரறிஞர் அண்ணா போன்ற மாபெரும் தலைவர்கள் மாநிலங்களவையிலும் மக்களவையிலும் அமர்ந்து விவாதித்த வரலாற்று சிறப்பு வாய்ந்த இந்த கட்டிடம் இன்றோடு கடைசி நாளாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. புதிய கட்டிடத்திற்கு நாம் இந்த அவையை மாற்ற இருக்கிறோம். புதிய இந்தியாவை கட்டமைக்க வேண்டும் என்கிற கனவுகளோடு நம்முடைய முன்னோர் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் அரசமைப்பு சட்டத்தை இயற்றினார்கள். அந்த அரசமைப்பு சட்டம் ஜனநாயகத்தின் உயிர் மூச்சு. ஜனநாயகத்தை பாதுகாப்பது அரசமைப்பு சட்டத்தை பாதுகாப்பதாகும். அரசமைப்பு சட்டத்தின் மூலம்தான் இந்த அவை இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த அவை மூலம்தான் இந்த தேசம் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த அவையில் விளிம்பு நிலை மக்களுக்கான நலன்களை அடிப்படையாக கொண்டு எத்தனையோ பல சட்டங்கள் இயற்றப்பட்டிருக்கின்றன. இடஒதுக்கீட்டு சட்டம், அதேபோல நகர்பாலிகா, பஞ்சாயத்து ராஜ் போன்ற ஜனநாயகத்தை ஊராட்சி வரையிலும் விரிவுபடுத்தக்கூடிய புரட்சிகரமான சட்டங்கள், வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டங்கள், இப்படி எண்ணற்ற பல விளிம்பு நிலை மக்களின் பாதுகாப்புக்கான சட்டங்கள் இயற்றப்பட்ட நிலையில் பொடா தடா போன்ற பயங்கரவாத சட்டங்களும் இந்த அவையில் இயற்றப்பட்டிருக்கின்றன. விளிம்பு நிலை மக்களின் குரலை பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒரு அவை என்கிற முறையில்தான் நானும் இந்த அவையில் இரண்டாவது முறையாக உறுப்பினராக இடம்பெறக்கூடிய வாய்ப்பை பெற்றிருக்கிறேன். இந்த நிலையில் அரசமைப்பு சட்டத்தை பாதுகாக்க வேண்டியது இந்த நாடாளுமன்றத்தின் முக்கியமான கடமையாக இருக்கிறது. ஆகவே அரசமைப்பு சட்டத்தில் செக்குலரிசம் என்பது மிக முக்கிய ஒரு கோட்பாடு என்பதை நாம் அறிவோம். அந்த மதசார்பின்மையை காப்பாற்றுவதற்கு ஓகே 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 ठीक है ஓகே உறுதியேற்க வேண்டும் டைம் ஓகே என்பதை வலியுறுத்தி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி முடிக்கிறேன். ஓகே थैंक यू. माननीय सदस्यगण, आज लोकसभा के इस गरिमापूर्ण और ऐतिहासिक कक्ष में सदन की बैठक के अंतिम दिन अत्यंत सार्वगर्भित और सकारात्मक चर्चा हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी दलों के नेताओं ने, सदस्यों ने भारत की अभी तक की लोकतंत्रीय यात्रा पर अपने अनुभव, अपने विचारों को साझा किया। ऐतिहासिक घटनाओं एवं निर्णयों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। यहाँ पुरानी सुखद अनुभवों को भी सभी ने अपने अपने भावनाओं से व्यक्त किए। अब समय आ गया है जब लोकसभा की आगे की कार्रवाई संसद के नए भवन से संचालित होगी। ये हम सब के लिए ऐतिहासिक और अस्मरणीय पल है। हम जब नए भवन में प्रवेश करने जा रहे हैं तब इस भवन की स्मृतियां हमारी स्मृतियों में सदैव अंकित रहेगी। आप सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि लोकतंत्र की 75 वर्ष की यात्रा में जिस प्रकार इस सदन की गरिमा, मर्यादा और प्रतिष्ठा को स्थापित किया हमारे सभी माननीय पूर्व सदस्यों ने, नेताओं ने, जो यहाँ की गरिमा, प्रतिष्ठा, अच्छी चर्चा, संवाद, जिसके कारण हमारे लोकतंत्र की सामर्थ्य बढ़ी है, देश में प्रतिष्ठा बढ़ी है। अब हम नए भवन में हमारे संसदीय लोकतंत्र की यात्रा शुरू करेंगे। मुझे आशा है कि नए संसद भवन में हम नए प्रतिमान स्थापित करेंगे। मैं ये भी अपेक्षा करता हूं कि जो कुछ भी पुरानी घटनाएं हैं, विशेष रूप से मेरा आग्रह रहेगा प्ले कार्ड लेना, नियोजित तरीके से सदन स्थगित करना, ऐसी घटनाओं को यहां हम त्याग करेंगे और नए प्रतिमान से
नए संसदीय परंपराओं को, श्रेष्ठ परंपराओं को हम स्थापित करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। मेरी ये भी अपेक्षा है नए भवन में नई ऊर्जा, नए संकल्प के साथ हम बेहतर प्रॉपर्टियां और हमारे सदन की, जब आपने विचारों व्यक्त किया कि सदन में कैसी कैसी चर्चा हुई है, श्रेष्ठ डिबेट हुई है, उससे भी श्रेष्ठ डिबेट और चर्चा, मुद्दों पर चर्चा नए संसद भवन में करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। मेरा भी इस भवन से बहुत लगाव रहा है। 4 साल 3 महीने आपने सबने सदन में मुझे सहयोग किया है, आगे भी सहयोग करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। और मेरा अनुभव रहा है कि सदन में जिस तरीके से कई गंभीर मुद्दों पर पूरे सदन ने एक मत होकर देश और राष्ट्र के हित में निर्णय लिए हैं, उससे भी बेहतर नए भवन में एक मत से, सामूहिकता से निर्णय लेंगे, ताकि भारत की लोकतंत्र की प्रतिष्ठा विश्व में और बढ़े। आज भी भारत के लोकतंत्र पूरे विश्व के लिए मार्गदर्शक की भूमिका के रूप में है। मुझे आशा है नया भवन आपके लिए नई ऊर्जा के साथ इन संकल्पों को पूरा करेगा। आप सभी को जो चर्चा की उसके लिए मैं बहुत बहुत पुनः धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्यों, सभा की कार्रवाई कल मंगलवार दिनांक 19 सितंबर 2023 को दोपहर 1:15 पर नई संसद भवन के लोकसभा के सदन में प्रारंभ होगी। सभा की कार्रवाई आज स्थगित की जाती है।